लीडर है और पार्टी उसके साथ है। जो पार्टी को डिवाइड करता है, दूसरे रुख पे ले जाता है, वो हमने से नहीं है। हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे। आप लोग नजरें रखें कि क्यादत में कौन कौन हमारे साथ है। सर, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। मैं इसको खुद हलफ देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को उठाने वाले आप हैं, लेकिन आज जो आपके पाँव खींचने वाले हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? उनको मैं यही कह रहा हूँ तमाम को जी कि खान को और पीटीआई को एहतजाज की जरूरत है। ये पांव कहने के बजाय आए, नून का मुकाबला करें, फिसाइयत का मुकाबला करें, रोडों पे निकले। लीडरशिप को मैं कहता हूं और वर्कर्स को कहता हूं, सोशल मीडिया पे नजर रखें। ये हमारे एहतजाज को कमजोर करने की साजिश है। जो हमारे साथ एहतजाज में नहीं निकल सकते, आज भी डर रहा है, वो लीडर नहीं हो सकता, वो खान का टाइगर नहीं हो सकता है, वो कोई इंतहाई बुजदिल बिल्ली बकरी हो सकती है। दो दिन पहले में से नहीं हो सकता। दो दिन पहले रावलपिंडी में पीटीआई के वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, उसमें 10 लोगों को वो सरदार जहीन साहब की क्यादत में रैली थी, उनको गिरफ्तार किया गया, एफआईआर हुई थी। तो आप क्या समझते हैं वो पुरमन थे? ये पंजाब में जी मोहतरमा बेटी से लिए हैं जी जी, और वो तो आप चैलेंज भी कर रहे हैं, ये एहतजाज करें हम देखते हैं, हम एहतजाज करें आप हमें देखिए। अच्छा, हो रहा है जी, ये आज साहब खान साहब से आएंगे वो बताएंगे। सर, अभी आपने कहा कि आपके जूतों में, आपके बूट में कोई और पाँव डाल के बैठा है नून लीग। सर, वो बूट आप ही के हैं किसी और के? हमारे पास तो चप्पल की नहीं छोड़ी उन्होंने, और ये लोग जो है हाथों में भी बूट पकड़े हुए हैं और पाँव में तो है ही बूट। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की असिस्टेंट कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पे आटा बांटने की वो स्कीम नहीं है और मरियम नवाज साहिबा घरों घरों में राशन बांट रही है, बहुत बड़ा कारनामा है, इसको क्या समझते हैं सर आप? ये जो आप देखे ना मोहतरमा, आजकल पंजाब में जो अदाकारी कर रही है, कभी खातून को गले लगाती हुई टस में बाहर रही है, कभी पूल लगा रही है, ये एक दिन ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। और ये जो है ना, ये अदाकारी सदाकारी, ये बहुत जल्द जो है ना रीबाउंस होगी। सर, आज जिसको अदाकारी आज आपने बयान दिया है कि लीग जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, अब आपको रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप एज ए पीटी लीडर्स को कैसे देखते हैं इस बयान को कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है? किसने ये बयान दिया? अजा सर, वजीर दफा ने बोला था सर। ख्वाजा आसिफ अगर खुद ही अपने मुल्क को दिवालिया करार दे रहा है, ये दिमागी तौर पे दिवालिया हुआ होगा। अच्छा सर, मुझे जनरल नॉलेज के लिए ये बता दें, एक बंदा अगर हारा हुआ हो, वो कुरान पाक पे हलफ लेके असेंबली का मेंबर बनता है और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह करम करेगा, तो अल्लाह ऐसी सूरत में करम करेगा या क्या करेगा? देखिए जी, इस वक्त तो इनके लगता ये है, ये रियाना डार का मैंडेट चोरी किए नेशनल असेंबली में बैठा हुआ है और आगे से ये जो बातें कर रहे हैं, बयान दाग रहे हैं, सूट नहीं करता है। और इन पे अल्लाह रहम करेगा, जिन्होंने पूरे पाकिस्तानियों पे रहम नहीं किया, जिन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को घसीटा। अभी भी आज सुना है कि सनम जावेद और तो दीगर खवातीन का 14 दिन का रिमांड दिए किसी जज ने। अल्लाह रमजान के तो फेल ऐसे जजों को भी रहे रास्ते लाए। सर, आप जो जिसको अपना पर्सनल केस था, मरियम नवाज साहिबा का नाम आपने टारगेट किया कि मेरे नाम पर आप सिपारी दी गई है, उस हवाले से, और आप अपनी सिक्योरिटी का केयर कर रहे हैं मजीद? सिक्योरिटी आप लोग है ना, कुछ आएगा इकट्ठे, मतलब सर, जिसको आप ये कि 8 जज साहिबान को आया है, ये ऐसी हरकतें माजी में नून करती आई है। और मेरा ख्याल है कि कल जो सजा मुअत्तल हुई है तो पूरे हाई कोर्ट को इन्होंने धमकी दी है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। ये पीएमएलएन जो है, जिस तरह पंजाब में आजकल कर रहे हैं या 2 सालों से कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी की वारदातें हैं, दहशतगर्दी आवाम के साथ करते आए हैं। इन्होंने हमेशा जज साहिबान को ब्लैकमेल किया है, जज साहब के साहिबान के खिलाफ फर्जा सराइयां की हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमलावर हुए, ये इनका तरीके वारदात रहा है। तो लिहाजा कल जो सजा मुअत्तल हुई है, अब मुअत्तली के बाद ये पहला रद्दअमल इनका आया है, आप लोग गवाह रहे हैं। ये और इनकी लीडरशिप इन 6 जज साहिबान के खत के लेटर पे इंतहाई गैर अखलाकी रवैया अपनाएगी, इनसे वाबस्ता कला जो है बार कौंसिल और बार एसोसिएशन में सियासत करते फिर रहे हैं,
अदलिया की पुश्त में इकट्ठा करके वकला को कड़ा होने के बजाय ये उनको तकसीम कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जज साहिबान के खिलाफ जो कंपेन हुकूमत ने शुरू किए हैं बिलखसूस थे जज साहिबान, देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काज नहीं है अकेले, ये पूरी कौम का तमाम सियासी पार्टीज का काज है। लिहाजा हम बहसीत पाकिस्तानी बहसीत वकील इन जज साहब की साहिबान की हिमायत कर रहे हैं। 6 तारीख की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तैयारी है सर? 6 तारीख में आज चेयरमैन साहब गए थे खान साहब से मिलने, मैं अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से न जा सका, वो आएंगे तो बताएंगे। सर ये बताइएगा कि नून लीग की जाने से कहा जा रहा है कि इस वक्त जजेस के खिलाफ ये जो मुहिम चलाई जा रही है और किसी पार्टी के एजेंडे पर है, आप पार्टी का एजेंडा कह रही है, वो पार्टी एजेंडा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस पे? नून से ये तवक्को करना कि अखलाकियात या कानून या कानून की हुक्मरानी के लिए बात करें ये आबस है। सर आप इंडिपेंडेंट चोर है, हमारे ही शूज में इन्होंने अपने पांव डाले हुए हैं। सर खान साहब ईद आवाम के साथ कर सकेगी या जेल में करेंगे सर? क्या उम्मीद है आपको है कि खान साहब ईद अपने मरवत साहब अब के अंदर सेनेट के अंदर ये जो इंतखाबात, देखिए ये नहीं चाहते हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में हमारे ये 9 वोट काउंट होते, इस वजह से हमें कंपटीशन से आउट करने के लिए इन्होंने ये हर बात आजमाया है। सर लॉन्ग मार्च की तैयारी है खान साहब की आजादी के लिए, जो पार्टी वर्कर्स भी कह रहे हैं जो इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम लोग ये सुन रहे हैं जी, आज कल खान को पीटीआई को जरूरत है एहतजाज की और मुजाहमत की। बिल्कुल, जो एहतजाज की बात करता है वो पार्टी का लीडर है और पार्टी उसके साथ है, जो पार्टी को डिवाइड करता है दूसरे रुख पे ले जाता है वो हमने से नहीं है। हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे, आप लोग नजरें रखें। तो उनको मैं यही कह रहा हूँ तमाम को कि खान को और पीटीआई को एहतजाज की जरूरत है, ये पांव केंद्र के बजाय आए नून का मुकाबला करें, सैयद का मुकाबला करें, रोडों पे निकले। लीडरशिप को मैं कहता हूँ और वर्कर्स को कहता हूँ सोशल मीडिया पे नजर रखें, ये हमारे एहतजाज को कमजोर करने की साजिश है। जो हमारे साथ एहतजाज में नहीं निकल सकते आज भी डर रहा है वो लीडर नहीं हो सकता, वो खान का टाइगर नहीं हो सकता है, वो कोई इंतहाई बुजदिल बिल्ली बकरी हो सकती है, लेकिन वो हम में से नहीं हो सकता। 2 दिन पहले रावलपिंडी में पीटीआई के वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, उसमें 10 लोगों को वो सरदार जईम साहब की क्यादत में रैली थी, उनको गिरफ्तार किया गया, FIR हुई थी, तो आप क्या समझते हैं वो पुरमन थे? ये पंजाब में जी मोहतरमा बेटी के लिए है जी, और वो तो अब चैलेंज भी कर रहे हैं, ये एहतजाज करें हम देखते हैं, हमें एहतजाज करें आप हमें देखते हैं। सर 6 अप्रैल का जलसा हो रहा है जी, ये आज सुधोर साहब खान साहब से आएंगे वो बताएंगे। सर क्या वजह बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, वजह क्या है सर? नहीं हमारे पास तो चप्पल भी नहीं छोड़ी उन्होंने, और ये लोग जो है हाथों में भी बूट पकड़े हुए हैं और पाँव में तो है ही बूट। अच्छा मरियम नवाज साहिबा की असिस्टेंट कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पे आटा बांटने की वो स्कीम नहीं है और मरियम नवाज साहिबा घरों घरों में राशन बांट रही है, बहुत बड़ा कारनामा है, इसको क्या समझते हैं सर आप? ये जो मोहतरम आजकल पंजाब में जो अदाकारी कर रही है, कभी खातून को गले लगाती हुई है टसले बा रही है, कभी फूल लगा रही है, ये एक दिन ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, और ये जो है ना ये अदाकारी सदाकारी ये बहुत जल्द जो है ना रीबाउंड होगी। अच्छा सर मुझे ये बताइए, आज आपने बयान दिया है कि नून जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है अब आपको रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप एज ए पीटीआई लीडर्स को कैसे देखते हैं इस बयान को कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है? किसने ये बयान दिया? खाजा साहब हो गया खाजा आसिफ अगर खुद ही अपने ये दिमागी तौर पे की वाली हो। अच्छा सर मुझे जनरल नॉलेज के लिए ये बता दें कि बंदा अगर हारा हुआ वो कुराने पाक पे हदफ कौन आता है, इसको मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ ही होता है। मरवत साहब ये लगा लें ये माइक। अच्छा ये जो यार ये मेरे कान बचाना मेरे, थोड़े पीछे पीछे हो जाए, इजी हो जाएंगे माइक आपने कर लेंगे। ये जो लेटर आया है जी सर, और मुझे बताइए कि 8 जज साहिबान को आया है,
ये ऐसी हरकतें माजी में नून करती आई है और मेरा ख्याल है कि कल जो सजा मुअत्तल हुई है तो पूरे हाई कोर्ट को इन्होंने धमकी दी है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। ये PMLN जो हैं, जिस तरह पंजाब में आजकल कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी की वारदातें हैं, दहशतगर्दी आवाम के साथ करते आए हैं। इन्होंने हमेशा जज साहिबान को ब्लैकमेल किया है, जज साहब के साहिबान के खिलाफ फर्जा सराइयाँ की हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए, ये इनका तरीका वारदात रहा है। तो लिहाजा कल जो सज़ा मुअत्तल हुई है, अब मुअत्तली के बाद ये पहला रद्दअमल इनका आया है, आप लोग गवाह रहे हैं। ये और इनकी लीडरशिप इन 6 जज साहिबान के खत के लेटर पे इंतहाई गैर अखलाकी रवैया अपनाएगी। इनके इनसे वाबस्ता वकला जो है बार कौंसिल और बार एसोसिएशन में सियासत करते फिर रहे हैं। अदलिया की पुश्त पे इकट्ठा करके वकला को खड़ा होने के बजाय ये उनको तकसीम कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जज साहिबान के खिलाफ जो कंपेन हुकूमत ने शुरू की है, बिलखसूस 6 जज साहिबान, देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काज नहीं है अकेले, ये पूरी कौम का, तमाम सियासी पार्टीज का काज है। तो लिहाजा हम बहसीत पाकिस्तानी बहसीत वकील इन जज साहब की साहिबान की हिमायत कर रहे हैं। 6 तारीख की